91.2 NIBH हेलोदून को सुनने वाले सभी श्रोताओं को हेमा का प्यार भरा नमस्कार। तो सबसे पहले तो मैं प्रोफेसर नचिकेता जी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार सर। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि आप हमारे श्रोताओं को कौन सी कहानी और किसकी कहानी सुनाने वाले हैं। अगर सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से खोज की जाए तो एक आदि शंकराचार्य हुए हमारे यहाँ, जिन्होंने सारे मठों की स्थापना की और चारों धाम की स्थापना की। बड़े कुशाग्र बुद्धि के रहे होंगे। बचपन से जिद करते थे कि माँ मुझे सन्यास्त होना है, है ना। हिंदुओं में ये अपने में परंपरा है कि जब तक माँ आपको इस बात की अनुमति ना दे कि सन्यास्त हो जाओ, तुम जा नहीं सकते। महावीर जो थे, उन जब तक माँ हाँ ना बोले तब तक भी वो भी नहीं गए थे। तो ये हिंदुओं की एक परंपरा रही है कि माँ का आशीर्वाद आवश्यक है। माँ जब तक बोले कि नहीं तब तक नहीं। तो नौ साल के रहे होंगे, उससे पहले से जिद करते थे कि नहीं मुझे उस दिव्यता की खोज में जाने दो। तो माँ मना करती। तो एक बार कथा यूं कहती है कि एक बार नहा रहे थे नर्मदा में और अचानक एक ग्राह, एक क्रोकोडाइल पैर पकड़ गया उनका। सभी चिल्लाने लगे कि अब गया। शंकर को देखिए, हाथ जोड़कर माँ को पूछा, अब तो हाँ बोल दे, अब तो हाँ बोल दे। माँ ने बोला हाँ। ग्राह छोड़ गया उनको, शंकर आए और तभी वो निकल पड़े। किस चीज की खोज में? उसी दिव्यता की खोज में जो कि इन अंगों के बाहर की है, उसी ब्रह्म की खोज में निकल गए। तो एक से बढ़कर एक रचनाएं उन्होंने की, जहाँ की वो बोलते हैं। कैसी रचनाएं की? निर्वाण सूत्र की रचना उन्होंने की। मनो बुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, ना तो मैं ये मन हूँ, ना ये बुद्धि हूँ, ना ये चित्त हूँ, ना ये अहंकार हूँ। हमारा होना किस चीज से? मैं ये विचारधारा रखता हूँ, ना तो ये अहंकार में हूँ, मैं इतना बुद्धिमान हूँ, दो और दो का जोड़ कभी पांच कर लूँ, कभी तीन कर लूँ, ना ये बुद्धि हूँ मैं, ना ये मन हूँ जो कि हर चीज याद रखता है, दुखी होता है, खुश होता है, मैं ये नहीं हूँ। मनो बुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, न च श्रोत्र जिह्वे, न च घ्राण नेत्र, ना श्रोत्र, ना तो सुनने वाला अंग, जिसे दिव्यांग बोलते हैं ना, भी सुन नहीं पाता दशवण दिव्यांग, ना तो मैं कान हूं, ना तो मैं जीभ हूं जो चखता है, ना च घ्राण नेत्र, ना तो सूंघने का नाक हूं, ना तो मैं आंख हूं, ना उसका हिस्सा हूं, ना च श्रोत्र जिह्वे, ना च घ्राण नेत्र, ना च व्योम भूमि, न तेजन आप, पंचभूत से बनता ना शरीर, जल जाता है, ना तो अवताप हूं, ना तो ये भूमि का हिस्सा हूं, ना तो वो जल हूं जो कि 70% शरीर बनाता है, ना तो ये आकाश। तो क्या हूं? चिदानंद रूप शिवोहम, शिवोहम, मैं वही हूं जो कि नहीं है। शिव का मतलब वही होता है, वो जो नहीं है ना। बोलते ना साइंटिस्ट, बोलते ना एटम के चारों तरफ जो बनता है इलेक्ट्रॉन का घेरा, वो लगभग 99% खाली होता है। यानी कि अगर न्यूक्लियस इधर है तो एक फुटबॉल के ग्राउंड के चारों तरफ कहीं इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी कि शरीर का हिस्सा तो खाली खाली है, भ्रम भ्रम होता है, इसलिए वो शब्द इस्तेमाल करते हैं माया। माँ यानी कि नहीं है, या यानी कि लगता है कि है। अगर अणुओं से ये शरीर बनता है और अणु का 99% हिस्सा खाली है तो ये ठोस कैसे है? तुमका कहना ये माया है, ऐसा भ्रमता है कि है लेकिन है नहीं वैसे। तो इस सूत्र की जो निजात किए थे वो, कभी गंगा में स्नान कर अपने शिष्यों के साथ निकल रहे थे काशी विश्वनाथ के पास थे, तो विश्वनाथ बाबा को पता था कि हाँ बोलते तो हो, बहुत हद तक समझ गए हो, परीक्षा जरूरी है। तो अगर तुम ये बोलते हो कि तुम ये सब कुछ नहीं हो, शरीर के अंग नहीं हो, उसके बाहर कुछ हो, तो परीक्षा बनता है। तो कथा ऐसी कहती है कि नहाकर वो बाहर आ रहे थे और सामने मणिकर्णिका घाट का जो चंडाल, जो आग लगाने वाला शवों को, और राजदंड जिनको मिलता है उनकी गर्दन काटने वाला जो है, वो अपने पत्नी के साथ बिल्कुल आ रहा था। रात भर जगा होगा, तरह तरह के लोग की हत्या की होगी, आग लगाया होगा, और जो मिल गया, ऐसा बोलते हैं कि एक सुअर का टुकड़ा लिया हुआ हाथ में, बाल बिल्कुल बिखरे हुए, शरीर बिल्कुल धूमिल, और उसकी पत्नी बाकी का सुअर का हिस्सा लिए हुए आ रही थी, और साथ में चार कुत्ते जिनके मुंह में अभी भी वो खून लगा हुआ।
शंकराचार्य बिल्कुल अपनी दीप्ति में, अपने प्रभाव में आ रहे हैं गंगा स्नान कर। शिष्य देखते हैं कि अरे ये सामने कौन आ गया, बोलते उद्धरा उद्धरा, बगलो बगलो बगलो, बिल्कुल चला आता है। और यहां शंकराचार्य आते हैं, आमने सामने खड़े हो जाते हैं। शंकराचार्य उनके आंखों में देखते हैं और बोलते हैं उद्धरा, तो पूछता क्या है चंडाल, पूछता है किसे हटने के लिए बोल रहे हैं, इस शरीर को जो भी सदा मलिन है, जो भी कभी पवित्र नहीं है, या इस शरीर के अंदर रहने वाले को जिसका कि कोई आकार नहीं जो कि दिव्य। इतना सुनते ही आदि शंकराचार्य जैसी एक महिमा मूर्छित हो जाती है और पैरों में गिर जाती है। बोलते हैं कि महादेव अन्नपूर्णा माँ, साथ में उनके चार कुत्ते जो कि चार वेदों के प्रतीक हैं, वो वहां से विलुप्त हो जाते हैं। और शंकराचार्य जान जाते हैं चीज इतना आसान नहीं है। शंकराचार्य जैसे भी प्रतिभावान व्यक्ति वहां झुक जाते हैं जहां की कुछ भी सीखने को हो। तो हमारी सभ्यता संस्कृति ऐसी रही है जो कि उस दिव्य के तलाश में है जो कि इन अंगों के बाहर, ये दिखने वाले चीजों के बाहर है। यानी आप कहना चाहेंगे सर कि शंकराचार्य इतने महान, इतने विद्वान होते हुए भी उनमें तनिक भी अहम नहीं, पर जो थोड़ा बाकी था उसे भी दूर कर दिया एक सफाई कर्मी ने। फिर मिलेंगे और कहानियां लेकर, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।